ओडिशा ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी को 250 से ज्यादा पूर्व जजों ने लिखा पत्र, आतंकी षड्यंत्र की जताई आशंका। एनसीपी में बड़ा फेरबदल, सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल बने नए कार्यकारी अध्यक्ष। महाराष्ट्र अंबरनाथ के फर्मो फैक्ट्री की केमिकल यूनिट में लगी आग, एक कर्मचारी की मौत, 3 घायल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल करेंगे शक्ति प्रदर्शन, रामलीला मैदान में महारैली। राजभूषण के खिलाफ आरोपों की जांच, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों से मांगे फोटो ऑडियो वीडियो सबूत। एमपी की लाडली बहनों को बड़ी सौगात, अब 1,000 की जगह मिलेंगे 30,000 रुपए, सीएम का ऐलान। इंदिरा गांधी हत्याकांड की हेट क्राइम नहीं मानता कनाडा, भारत से बढ़ सकती हैं तलखियां। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, मिशन कार्ययोगी की दिशा में पहला कदम। वाराणसी में एस जयशंकर की अध्यक्षता में होगी G20 बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे संबोधित। नौ महीने बाद वतन लौटे, नाइजीरिया में फंसे 16 भारतीय, कोची एयरपोर्ट पर हुआ जमकर स्वागत, सरकार का जताया आभार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।